हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम, वो भी वन शॉट में। वन शॉट मतलब क्या कि एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जो चैप्टर जब कंप्लीट करना होता है ना, तो हम वन शॉट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो इससे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि आपका कम टाइम में ज्यादा कंटेंट जो है कवर हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो कंबशन एंड फ्लेम को आज हम एक वन शॉट वीडियो में फटाफट से निपटाने वाले हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो आई होप आप सब आ गए होगे, आप सब लोग बैठ गए होगे, एक्साइटेड हो। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम में सारी चीजें, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी बुक हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको सारे जो पिछले सेशंस हैं वो आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, चैप्टर को समझो अच्छे से, और फिर अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछना। ओके, तो मैं प्रतिभा सक्सेना, योर साइंस टीचर। ये कुछ बातें मेरे बारे में, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल सत्या शिक्षा 678। इसको ज्वाइन करो पीडीएफ नोट्स के लिए। ठीक है, तो कंबशन एंड फ्लेम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्ब्यूसिटेबल सब्सटेंसेस को। मैम ये क्या होता है? मुझे तो पता नहीं, इसीलिए तो आप यहाँ पर हो। ठीक है, आपको पता ही तो करवाना है। तो कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि ऐसे सब्सटेंस विच बर्न इन द एयर। ठीक है, जो हवा में बर्न हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हवा के कांटेक्ट में आने पे बर्न होने के उसमें चांसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कम्बस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो वही लिखा है आपके डेफिनेशन में। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस, ठीक है, मैंने आपको बताया भी होगा, और अगर नहीं बताया तो आज समझ लेते हैं। सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके प्योर और आपके इम्प्योर दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात दूसरी हो गई कि सब्सटेंस के टाइप क्या होते हैं, वो हम जब आप 9th में आओगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, सब्सटेंस बेसिकली मुझे ये बताना था कि टू या मोर देन टू, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स जब मिलते हैं। ठीक है, कंपाउंड मिलते हैं तो आपका एक सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया वॉटर, आपने लिया शुगर, आपने लिया लेमन जूस, और आपने तैयार कर दिया एक सब्सटेंस। ठीक है, जिसका नाम है वॉटर लेमन जूस। ऐसे ही तो नाम दे देते हो। जब समर का टाइम होता है तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली सब्सटेंस क्या है, इस पे ध्यान दो कि सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा जो कंपाउंड होते हैं मिलकर के एक आपका सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लिया, शुगर लिया, लेमन लिया, और बना करके घोल के बढ़िया पी गए, तो पी तो गए, लेकिन पीने से पहले ये सोचा कि वो क्या है। वो एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कंबस्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कंबस्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले कंबस्टेबल देखो। ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आने पर जल जाए। द सब्सटेंस विच बर्न इन द एयर आर कॉल्ड कंबस्टेबल। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन इन द एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन। हमें सबको पता है ना, पता है ना हम सबको कि ऑक्सीजन जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एसेंशियल होता है कभी भी कंबशन अगर हमें करवाना है। कंबशन बेसिकली क्या है? बर्निंग, जलाना किसी भी चीज को। जैसे कागज लिया, जला दिया, एकदम से राख हो गया वो, तो वो क्या है, एक तरीके की कंबशन की प्रोसेस है। क्या है? कंबशन की प्रोसेस है। तो कंबशन क्या है, किसी भी तुमने सब्सटेंस को लिया और उसको जला दिया। सब्सटेंस मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा जो जल सके। तो वो तुमने जब जलाया तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन। अब उस प्रोसेस में, यानी कि कंबशन की प्रोसेस में, आपको एक चीज की बहुत ज्यादा नीड होती है, बिना उसके हो नहीं पाता कुछ भी। क्या? कि ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, जो जल जाते हैं हवा के साथ में, उनको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है,
तो कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है, कंबशन के लिए क्या जरूरी होता है, दो बातें हमने देख ली। तीसरी बात ये हो गई कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। अब कंबशन की प्रोसेस हो गई, कंबशन की प्रोसेस के लिए जो जरूरी था हमने वो भी देख लिया, ऑक्सीजन जरूरी था। अब जो प्रोसेस हुई है उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट के तौर पे आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो हीट मिलती है और एक लाइट मिलती है तेजी से। कभी जला करके देखा है तुम लोगों ने कुछ, कुछ का मतलब ये है छोटी छोटी चीजें जो तुमने कभी देखी हो एक्सपेरिमेंटली, ये नहीं है कुछ भी जला दो। क्या जलाया है कमेंट बॉक्स में बताओ, जला करके हीट और लाइट को एक्सपीरियंस किया है। हीट मतलब जो तुम्हें गर्मी टाइप की प्रोड्यूस, उसमें गर्म जो आपकी हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, आपको गर्म लगने लग जाती है, आप छू नहीं पाते हो। लाइट जो आप देखते हो कि जैसे ही आपने, सपोज आप अंधेरे कमरे में हो और आपने कागज का टुकड़ा जला दिया तो वहां पर एकदम लाइट प्रोड्यूस होती है, होती है। या कैंडल का एग्जाम्पल ले लो, इधर उधर का छोड़ दो, लाइट आपने कैंडल में देखी है। बेसिकली होता क्या है और होता क्या था, जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग कैंडल का यूज करते थे, ये भी एक कंबशन की प्रोसेस है जिसमें मोमबत्ती जो है यानी कि जो कैंडल है आपकी मेल्ट होती चली जाती है ड्यू टू द हीट, और हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो हीट लाइट के साथ में प्रोड्यूस हो रही है, वो लाइट हमें क्या दे रही है, उस रोशनी, उस कमरे में रोशनी दे रही है हमें, है ना। तो हम ये यूज करते थे। चलो आगे बढ़े, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसको समझते हैं, इग्निशन टेम्परेचर इसको थोड़ा डिफरेंट पेन से करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये इग्निशन टेम्परेचर, ये इग्निशन टेम्परेचर होता है एक वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें आपने जब कागज का टुकड़ा, मैम तो कागज के पीछे ही पड़ गई, कागज का ही टुकड़ा लेंगे हम क्योंकि तुम उसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो कागज के टुकड़े को जलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर या हीट कह सकते हो कितना चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, वही आपका इग्निशन टेम्परेचर है। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है एट विच कंबस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर, फायर को कैच कर लेता है कोई भी सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस जिसमें एयर, एयर में वो कैच कर लेता है फायर को, तो ऐसे सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर उसको हम बच्चा पार्टी कह देते हैं इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, ओके। अब जैसे ये तीन टैंक है, लिखा अलग अलग है ओ आई एल ऑयल, लेकिन भरा एक साथ ही ये सब में ऑयल, नहीं समझे। तीन टैंक है, तीन टैंक में ऐसा समझ लो सिंपल कि ऑयल जो है इसमें भरा हुआ है। सिलेंडर है, सिलेंडर ये एलपीजी सिलेंडर, इसमें भी क्या है, गैस भरी हुई है। अगर आप इसका बर्नर खुला छोड़ दो, इसकी जो गैसेस जो है अगर एयर में फैल जाएं, और अगर आप धोखे से भी लाइटर या कोई मैचिस स्टिक, जो माचिस की तीली होती है उसको आपने जलाने की कोशिश की, तो सब कुछ धूम हो जाएगा जो कि बहुत खतरनाक है। तो इसको कभी जो है हमें नहीं ट्राई तो छोड़ो, हमें ये चीज बचा कर रखनी है औरों के लिए भी, मतलब ये चीज हमें, लोगों को भी हमें उनसे, इन चीजों से बचा कर रखना है। अच्छा कागज जो है, कागज भी क्या है, वो मिनिमम टेम्परेचर, अच्छा इन तीनों बात क्या हो रही थी, मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर इन तीनों के लिए जितना चाहिए होगा उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, दैट्स ऑल। क्या बोला मैंने, मिनिमम टेम्परेचर किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलाने के लिए यूज किया जाता है जितना, वही होता है इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से मैम, वो जो आपके एयर के साथ में बर्न हो सकते हैं या हो जाते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो आपकी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनके पास में जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो और भी ज्यादा क्या होता है, लो होता है, ठीक है। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में उनके पास में और भी ज्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि जो इग्निशन टेम्परेचर हम कंबस्टेबल सब्सटेंस के लिए देख रहे थे वो ऑलरेडी लो है, और अगर बात कर दें इनफ्लेमेबल के लिए तो वो और भी ज्यादा उसका जो ग्राफ है गिर जाता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। देखो जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि फायर प्रोड्यूस करने के लिए हम कितने सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, है ना, क्या क्या हमें चाहिए होगा, हमें एयर चाहिए होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी तो जो फ्यूल अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बट बेसिकली आपको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा,
विदाउट ऑक्सीजन वहां पे कोई बर्निंग नहीं हो पाएगी, मतलब कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो बात ये हो रही है कि चलो तुमने कंबशन के प्रोसेस तो सीख ली बच्चों, अगर फायर को कंट्रोल करना है, अब तुमने सपोज कंबशन की प्रोसेस करके देखी किसी फैक्ट्री में कंबशन वाला कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा था जो कि जरूरी था, अब वो फायर इतना ज्यादा बढ़ गया, कंबशन की प्रोसेस में फायर इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो अब तुम क्या करोगे? तो वही करोगे जो ये कर रहा है। ये कौन है? ये पीटर है, इनका नाम पीटर है, और ये आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भैया आग जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो क्या यूज कर रहे हैं? क्या तुम्हें दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? यस, वाटर दिख रहा है। तो वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल द फायर। वाटर हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं फायर को कंट्रोल करने में। तो ये तो तुमने मूवीज में भी देखा होगा। चलो ठीक है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल। वाटर को हम यूज नहीं कर सकते कंट्रोल करने के लिए, उन फायर्स को कंट्रोल करने के लिए जिसमें इन्वॉल्व होता है कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, या कोई ऑयल। नहीं समझे? जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना इस वाले पॉइंट के लिए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। मानो ये हाउस है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये हाउस तो तुम्हें सिर्फ एक ड्रॉ करके मैं दिखा रही हूँ। तो छोटे क्लास में हम लोग हट बनाते थे, वैसा वाला कुछ हो गया ना, तुमने बनाए हैं? तुमने भी बनाया होगा। चलो तो ये एक हाउस है, ये दिखाने की जरूरत तो नहीं थी वैसे। अब इसमें जो है लग गई आग। क्या लग गई? आग लग गई। कैसे बुझाएं? बात की बात है, देखना यह है कि फायर कैसी वाली है, देखना यह है कि फायर कैसी वाली है। भैया ये घर है जल रहा है, ये घर जो है जल रहा है, ठीक है, आधा जल चुका है। तो अब क्या है? सबसे पहले तो क्या होगा कि देखा जाएगा कि ये जो फायर यहाँ पर लगी है उस फायर का कारण क्या है, क्या नॉर्मल है, क्या ये किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से है। तो यहाँ पे ना शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट। इसको क्या समझते होगे, घरों में बोला जाता शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब वो जो बिजली के तार होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इनबैलेंस चीजें आ जाती हैं जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं और वो हीट में कन्वर्ट होकर आग पकड़ लेती हैं। तो या यार यहाँ पर जब ना ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू कुछ हो रहा है, फायर जो है लग गई है, आधी झोपड़ी जल गई है, ये आधा घर जल गया है, या आधी बिल्डिंग जल गई है, या पूरी बिल्डिंग जल गई है, तो ऐसे में तुम वाटर को यूज तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैम, क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि वाटर को अगर तुमने यूज कर लिया तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को वाटर की जरूरत क्या होती है, अगर वो वाटर उसे वाटर के कॉन्टेक्ट में वो आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी और तेजी से प्रोड्यूस होगी। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा साइड में हटकर इसको देखें, साइड में हटना नहीं है, मतलब फोन पर ही रहना, तुम फोन या लैपटॉप जिसमें भी देख रहे हो साइड में नहीं हटना। देखो वाटर के कॉन्टेक्ट में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो उसका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चा वो बढ़ जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है जहां तक मुझे ध्यान है, सबको पता है, ये नहीं पता है मुझे कमेंट करके बता देना, अगर नहीं तो हम फिर इस पर बात कर लेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई वाटर का कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से नहीं होना चाहिए। तुमने कभी सुना है कि नंगे पांव मीन्स अगर तुमने जो है स्लीपर्स वगैरह नहीं पहन रखी हैं तो तुम किसी भी, और आपके हाथ या पैर गीले हैं, भीगे हुए हैं पानी से, तो आप जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर ही रहो तो आपके लिए भलाई है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप क्या हो जाओगे, उसमें चिपक जाओगे, ठीक है। ये तो खैर फिलहाल मजाक की बात हो गई, लेकिन फिर इसको थोड़ा सीरियस होकर समझे तो आप वाटर के कॉन्टेक्ट में या इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में वाटर को नहीं ले जा सकते, हीट का फ्लो जो है, हीट इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है बढ़ जाता है, ठीक है। कौन करवाता है? वाटर करवाता है फ्लो। या कोई ऑयल है, जैसे आपने केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह या पेट्रोल डीजल इस टाइप की चीजों को यूज कर रखा है और तब वहां पे बर्निंग ऑफ किसी एक, सपोज किसी दूसरे एग्जांपल में आप समझते हैं कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वहां पर जो है पेट्रोल या सपोज कुछ भी कुछ टैंक रखे हुए थे जैसे हमने अभी पीछे देखे, तो इसमें ना आग लग गई है। अब आग को बचाने के लिए जो है वाटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आग इतनी ज्यादा फैली हुई होगी कि वाटर वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, वाटर वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ ऑयल है जो बहुत ज्यादा कैसे हैं, इग्निशियस हैं,
इग्निशियस मीन्स कह सकते हैं कि ऑयल वो ऐसे हैं, उनमें ऐसे केमिकल्स यूज हुए हैं कि वो फायर को और ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये आप सोचो कि वाटर से आप इसको जो है बुझा पाओ इस आग को, तो वो आप गलत सोच रहे हो। तो ये पीटर जो है सिर्फ नॉर्मल वाली आग को ही बुझा सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल एकदम से फायर का जो आपको इमेज दिख रही है बहुत सुंदर से दिख रही है। 1920 एक मूवी आई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही फायर मैंने देखा था यूज करा हुआ। पुरानी जो आपके महल वगैरह जो दिखाए जाते थे उसमें ऐसा कुछ लगा रहता था, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो फिलहाल हम बात करते हैं, अब कम्बशन तो हमने पढ़ लिया, कम्बसिटेबल सब्सटेंस को हमने पढ़ लिया, हमने इग्निशियस टेम्परेचर को देख लिया। अभी बात करते हैं रैपिड कम्बशन क्या होता है। रैपिड का मतलब तुम समझ रहे होगे, रैपिड मतलब क्या, रैपिड मतलब जल्दी से, फटाफट से, बहुत जल्दी से कम्बशन होना। तो रैपिड कम्बशन किसको कहते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज रैपिड कम्बशन। तो लिखोगे आप कि कम्बशन एक ऐसा कम्बशन जो कि रैपिडली या हाई स्पीड से प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करता है हीट का और लाइट का, ठीक है। ऐसा कम्बशन जो लाइट और हीट को बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं रैपिड कम्बशन, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। तो हमें तो ये पता ही है कि कम्बशन की प्रोसेस में दो चीजें तो प्रोड्यूस होती ही हैं, एक तो आपकी लाइट होती है, एक तो आपकी हीट होती है। अब यही हीट और यही लाइट जब आपकी बहुत फास्ट स्पीड से प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रैपिड कम्बशन, ठीक है, रैपिड कम्बशन। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन की। स्पॉन्टेनियस कम्बशन का मतलब है कि अचानक से, मीन्स आपकी सडन सडन जो है बस्ट इनटू कोई ऐसी मटेरियल है जो सडन बस्ट हो जाता है और फ्लेम्स निकालता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, मतलब कोई अपेरेंट कॉज भी नहीं पता चला, एकदम से कुछ हुआ और बुक टाइप हो गया कुछ। तो स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है, अ कम्बशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट, मटेरियल सडनली क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए इनटू फ्लेम्स में और बहुत ज्यादा आग की लपटें निकलने लग जाएं। तो ऐसे कम्बशन को देख करके हमें ये सोच लेना चाहिए कि भाई ये और कोई सा कम्बशन नहीं बल्कि स्पॉन्टेनियस कम्बशन है, ठीक है। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज का मतलब ये है कि आपने कुछ भी और अलग से नहीं किया है, ये चीज अपने आप ही से हो रही है, सडन एकदम से हो गई, मतलब अंदर ही कुछ हुआ होगा ऐसा, सडन कुछ ऐसी फिनोमेना हुई होगी जिसकी वजह से सडन बस्ट हुआ, बट आपने अलग से कुछ नहीं अप्लाई किया उस पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन, जो आपको ऊपर दिख रहा है एकदम से स्पॉन्टेनियस कम्बशन, मतलब पता नहीं चला क्या हुई, क्या क्या वजह हुई उसकी और एकदम से जो है कम्बशन जो है हो गया, आग पकड़ ली। एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन तो देख ही रहे हो आप, एक्सप्लोजन को हिंदी में बोले विस्फोट कहते हैं। विस्फोट क्यों मैंने बोला हिंदी में, क्योंकि इससे ज्यादा आप रिलेट कर पाते हो। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है कि एक्सप्लोजन में आपका ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कम्बशन का, ठीक है, एक्सप्लोजन कम्बशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ गैसेस जो है इन्वॉल्व रहती हैं जब हीट और लाइट जो है निकलती है। और एक और खास बात है कि एक्सप्लोजन में ना साउंड भी होता है। तो अब चलो पढ़ते हैं क्या है एक्सप्लोजन, ठीक है, एक मिनट बस वापस आ जाओ। कौन सा पहले लो, ये लो। द प्रोसेस ऑफ कम्बशन इन विच अ लार्ज नंबर की गैसें यानी कि गैसेस आर इवॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, मतलब इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलती है और लाइट भी बहुत ज्यादा निकलती है हीट के साथ में। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ना साउंड भी प्रोड्यूस होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ गैसेस निकल रही है, कौन सी गैसेस, तो मैं ध्यान है एयर पोल्यूशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि एक्सप्लोजन वगैरह जब होता है तो बहुत सारी हानिकारक गैसेस यानी कि हार्मफुल गैसेस जो है वहां पर प्रोड्यूस होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है निकलती हैं और साउंड भी आता है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि ऐसे सिचुएशन में ये जो प्रोसेस होती है उसको हम कह देते हैं एक्सप्लोजन, होती ये कंबशन की ही प्रोसेस है लेकिन इसको बोल देते हैं एक्सप्लोजन। तो उन गैसेस का नाम लिख लेते हैं जिन गैसेस के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिससे हम थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए अपने एग्जाम में, अपने
कॉपी में और अच्छे से हम चीजों को लिख पाए। चलो तो एक बार बस, ब्लैक पेन, गैसेस, गैसेस इन वॉल्व, इन्वॉल्व इन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। ठीक है, गैसेस कौन सी इन्वॉल्व रहती हैं एक्सप्लोजन में उसको समझते हैं। कुछ गैसेस का नाम लिख लेते हैं जो बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, चलो तो एक हो गई हमारी, एक तो पहले लाइन खींच देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके, बड़ा मजा आता है लिखने में मुझे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको नाम आप लिख सकते हो, ये मैं लिख दूं, चलो कार्बन डाई ऑक्साइड। मैं चाहती हूँ तुम लोग जब नाइन्थ में जाओ, नाइन्थ क्लास में, तब तुम लोगों को ना ये सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें तो पहले से ही रटी हुई हो, आती हो, वहां ना जाकर सीखना पड़े। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, बच्चों को नहीं पता होता है कि हम इसको जो है क्या नाम से बुलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड लिख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और कुछ लिखें, सल्फर डाइऑक्साइड और लिख लेते हैं, SO4। ठीक है, सल्फर, तुम लोगों के लिए मैंने नाम भी लिख दिए हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी तुम लोग बताते रहा करो, कमेंट वगैरह में बताओ कैसा चल रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ते हुए, तुम्हारी अपनी खुद की अच्छी तैयारी चल रही है भाई, इसके अलावा घर पर भी तो पढ़ते ही होगे। तो गैसेस ये जो है इन्वॉल्व रहती है एक्सप्लोजन के टाइम पर। एक्सप्लोजन को तो तुम देख ही सकते हो कैसा है, दिवाली पे पटाखे फोड़े हैं सबने, फोड़े होंगे ना, तो कर मत देना, ठीक है, क्योंकि तुमने फोड़े तो जरूर होंगे। तो जब आप क्रैकर्स जो है दिवाली पर मतलब बुलाते हो, बजाते हो, ठीक है, दिवाली मनाते हो, उस टाइम पर देखा होगा एक्सप्लोजन कितना ज्यादा होता है, कितनी हानिकारक गैसेस निकलती हैं, तो बस समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं, अब उन जोन के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं एक फ्लेम में। फ्लेम मतलब समझ रहे हो तुम, एक कोई भी फ्लेम, जैसे तुमने कभी मोमबत्ती को ध्यान से देखा हो, या तुमने कभी आग निकलते हुए कभी ध्यान से देखा हो, तो एक फ्लेम में कौन कौन से जोन होते हैं, तो तीन बेटा जोन होते हैं एक फ्लेम में। मैं फ्लेम बनाकर देखती हूँ यहाँ पर, देखते हैं अच्छे से बन पाए अगर। ओके ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। तो एक फ्लेम में आपके बच्चों तीन जोन होते हैं, कितने जोन होते हैं, तीन जोन होते हैं। ठीक है, कोशिश की है ये बनाने की, तीन रंग की फ्लेम बना दी है मैंने। चलो अब उन तीन जोन की बात करते हैं, जिन जोन की बात हो रही है फ्लेम में वो प्रेजेंट होती है। देखो तीन जोन होती है, एक तो होती है डार्क जोन, कौन सी जोन, डार्क जोन, एक होती है ल्यूमिनस जोन, एक होती है नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, दो तीन जोन होते हैं, एक तो होता है डार्क जोन, एक होता है ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, एक होता है नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। ल्यूमिनस क्या है, नॉन ल्यूमिनस क्या है, वर्ड का मीनिंग अभी बता देती हूँ मैं, और डार्क का क्या मतलब है वो भी बता देती हूँ। देखो डार्क का मतलब तुम समझ रहे होगे कैसा, काला, अंधेरा, इससे समझते हो ना। ल्यूमिनस मतलब क्या है, लाइट हो जहां पे, नॉन ल्यूमिनस मतलब जहां लाइट ना हो। ठीक है, चलो इतना समझ लिया। ओके अब डार्क जोन की बात करते हैं, डार्क जोन क्या है, डार्क जोन में बेसिकली इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है आपको भी और फोकस से पढ़ लेना है, पेन किधर गया, ये रहा। इट कंटेन्स वेपर्स ऑफ फ्यूल, ये ना फ्यूल की वेपर्स रखता है, ये वाला जो जोन होता है फ्यूल की वेपर्स रखता है, एंड अनबर्न्ड कार्बन भी इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब किसी फ्लेम में एक ऐसा जोन जिसमें आपकी फ्यूल की क्या हो, वेपर्स हो। फ्यूल की वेपर्स का मतलब है जो भी आपने फ्यूल ले रखा है, जो भी आपने फ्यूल ले रखा है, फ्यूल के आपके जो है कई सारे टाइप्स होते हैं, कोई भी आपने फ्यूल ले रखा है उसकी जो वेपर्स फॉर्म है, वेपर फॉर्म है, वो इस जोन में मिलती है। किस जोन में, डार्क जोन में। दूसरी बात,
अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि बिना जले हुए, कंप्लीटली जल ना पाए हो, ऐसे पार्टिकल्स आपको इसमें मिलते हैं, तो इसको बच्चा कहते हैं डार्क जोन। नंबर टू पर आ जाओ, ल्यूमिनल जोन ऑफ फ्लेम, द मिडिल जोन ऑफ पार्टिकल पार्शियल कम्बशन, जो मिडिल जोन होता है बीच का ऑफ पार्शियल कम्बशन का, मतलब पार्शियल मतलब कि आधा कम्बशन हुआ है और आधा अभी बाकी है या नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कम्बशन जिसमें पूरी तरीके से कम्बशन की प्रोसेस ना हो पाई हो, उसको पार्शियल कम्बशन कम्बशन कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक वर्ड की मीनिंग मैं तुम्हें बताती हुई चल रही हूँ, तो तुम चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, चाहो तो बस ध्यान से सुनो और एक बार रिवीजन कर लेना इस चैप्टर का फिर से जब ये ओवर हो जाए। तो ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम में मिडिल जोन होता है ये पार्शियल कम्बशन का, दैट इज येलो इन कलर, कलर में कैसा होता है, येलो होता है, और जाहिर सी बात है जब येलो है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, लाइट, लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तुमने कभी अगर फ्लेम को ध्यान से देखा हो, अगर तुमने देखा हो तो तुमने देखा होगा कि जो सपोज कैंडल को अज्यूम करो, और कैंडल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है तुमने देखा हो तो वो ब्लैक एंड ब्राउनिश होता है, उसी को ही हम कहते हैं डार्क जोन। और आपने बीच का जोन देखा होगा, वो होता है येलोइश, येलोइश जोन होता है, उस जोन को हम बोल देते हैं क्या, ल्यूमिनस जोन, ठीक है। और एक होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, जिसमें आपका एक आउटर जोन होता है ये फ्लेम का, दैट इज फेंटली ब्लू, जो कि हल्का सा ब्लूइश होता है, कैसा होता है, ब्लूइश होता है। तो एक आउटर पार्ट होता है जो आपका, एक आउटर जोन होता है जिसको हम ब्लूइश में थोड़ा सा देख पाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, नॉन ल्यूमिनस जोन क्या होता है, इट इज द आउटर जोन, ये एक आउटर जोन होता है फ्लेम का, दैट इज फेंटली ब्लू। फेंटली ब्लू का मतलब है पूरी तरीके से डार्क ब्लू ना हो, बट हल्का ब्लूइश दिख रहा हो, इन कलर, इन कलर एंड अंडरगोस कंप्लीट कंबशन ऑफ द सब्सटेंस। ये जो कंबशन होता है ये कंप्लीट कंबशन होता है, ये पार्शियल नहीं होता है। तो कभी आपने गैस बर्नर पे ध्यान दिया है, किचन में गए हो तो खाना बन रहा हो तो ब्लू कलर की जो फ्लेम निकलती है वो कंप्लीट कंबशन होता है, और उसी को हम बोलते हैं फेंटली ब्लू, उसको फेंटली ब्लू कहते हैं। अब फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना, डार्क ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस तो हमने पढ़ लिया, अब इस फ्लेम को देखो, इस फ्लेम में अगर मैं आपसे पूछूं कि डार्क जोन कौन सा है, तो डार्क जोन ये वाला होता है जो आपकी फ्लेम में सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। फिर ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है, जो येलो कलर का दिख रहा होता है उसको हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं, ल्यूमिनस जोन, ठीक है। और जो ब्लूइश कलर में दिखता है आपको वो होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, ठीक है। अब डार्क जोन में फ्यूल मिलता है आपके, फ्यूल के वेपर्स मिलते हैं और अनबर्न कार्बन के पार्टिकल होते हैं। ल्यूमिनस जोन में बच्चों आपके ये जो लाइट होती है येलो कलर की होती है, और ल्यूमिनस में पार्शियल कम्बशन हो पाया होता है, यानी कि पूरी तरीके से जो है ना आपका कम्बशन की प्रोसेस नहीं हो पाई होती है। अच्छा, तीसरा जो नॉन ल्यूमिनस हम लोग देख रहे हैं उसमें फेंटली ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ना कम्बशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी होती है, कम्बशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी होती है इसलिए वो ब्लूइश कलर देता है, ठीक है। तो हमने इसको भी समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना जैसे ही मैं आपको ये पूरा करवा देती हूँ चैप्टर का, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम सब किसकी, फ्यूल की। एक फ्यूल क्या होता है और आइडियल फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच मे बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में देखो मैं समझा रही हूँ तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। फ्यूल इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैसा होता है, विच मे बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट, जो अगर जलता है तो एक अच्छी खासी अमाउंट में हीट निकालता है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, एक कंसिडरेबल हीट निकालता है। लेकिन जब वो हीट निकालना होता है तो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है जो अनडिजायरेबल हो। अनडिजायरेबल मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ ब्लैकिश ऐश टाइप की, राख टाइप की प्रोड्यूस कर रहा हो या कुछ और, या कुछ और ऐसा नहीं है। बस फ्यूल एक सिंपल सा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब वो बर्न होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, गाड़ी कार की इंजन्स में फ्यूल जो आप अगर देखते हो तो फ्यूल जो है देखो सभी में पड़ता है, तुम्हारी स्कूटी बाइक और आपकी जो कार ट्रक इन सब में फ्यूल रहता है। अब वो फ्यूल जब जलता है तो हीट तो प्रोड्यूस करता ही है, तभी कभी देखना तो जो आगे वाला पोर्शन होता है ना किसी भी कार का, आगे वाला जो पोर्शन होता है उस कार में तुम देखना, कार बनाने की कोशिश करती हो तुम्हें तो पता ही, मेरी
ड्राइंग कितनी अच्छी है। आगे वाला पोर्शन ऐसा दिखा दे। चलो अब ये आगे वाला पोर्शन जो है, ऐसी कार कुछ होती नहीं है आज के मॉडर्न टाइम में, लेकिन ये वाला जो, इसको तुम खोल करके देखोगे तो तुम देखोगे कि भैया यहाँ पर ना अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इंजन जो है वर्क कर रहा है, फ्यूल जो है जल रहा है, कंबशन हो रहा है उसमें। तो तुम देख पाते होगे कि हीट जो है प्रोड्यूस होती है, और अनडिजायरेबल कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब एक आइडियल फ्यूल होता क्या है, आइडियल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। आइडियल फ्यूल फ्यूल वो होता है जो विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज, किसी भी यूज के लिए। जैसे आपको जनरेटर तो आपने देखा ही होगा, पार्टीज वगैरह के लिए जब हम यूज करते हैं तो जनरेटर बहुत सारे लगे होते हैं, या किसी भी आप बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में जाते होगे जहाँ पे आप जनरेटर्स को चलते हुए देखते होगे। तो जनरेटर को चलाने के लिए जो जिस आइडियल फ्यूल की जरूरत है, वो आइडियल फ्यूल वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक आइडियल फ्यूल वही है जो जिस मशीन के लिए यूज किया जा रहा है उसमें उसकी जरूरतों को वो पूरा कर दे। मतलब वो एक ऐसा फ्यूल मैंने डाला जनरेटर में जो जनरेटर को ऑन कर दे रहा है, तो वो एक आइडियल फ्यूल है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो दैट इज नॉट आइडियल फ्यूल, दैट्स ऑल। तो आइडियल फ्यूल क्या है, द फ्यूल विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल। तुम्हें मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ये जनरेटर और ये सब, कि जिससे कि जब तुम्हारे सामने एक आए क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है, क्वेश्चन बनकर के जब आए तो तुम यही एग्जाम्पल याद करके तुम तुरंत फटाक से आंसर लिख दो। इतना कर लोगे, कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम। फिर अब बात करते हैं कि देखो, जब आपकी हीट एनर्जी वगैरह वगैरह ये प्रोड्यूस होती है कंबशन के टाइम पर, तो एक वैल्यू होती है जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझो कि एक कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। देखो जब आप कंबशन की प्रोसेस करते हो तो वहां पर हीट तो प्रोड्यूस होती है, नो डाउट, है ना, ठीक है। तो उस टाइम पर एक ऐसी फ्यूल की, जितना फ्यूल बर्न हुआ है, तो जितना फ्यूल बर्न हुआ है उसके आधार पर, उसकी बेसिस पे हम एक टर्म देते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है समझते हैं। आओ, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, पैन किधर गया भाई, आ जाओ, ये रहा, द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी से, किलो जूल पर केजी से, समझ पाए। आपने कंबशन की प्रोसेस की, सपोज आपने क्या किया, लकड़ी के कुछ टुकड़े थे, लकड़ी के कुछ गट्ठर थे, उसको आपने जलाने की कोशिश की, तो मतलब आप बेसिकली आप कंबशन की प्रोसेस करने जा रहे हो, ऐसे समझो। ये है एक हमारा, ये एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है चिंटू। अब ये चिंटू चला चला है क्या करने, कंबशन की प्रोसेस करने, इसको करना है कंबशन की प्रोसेस, और इसे समझना है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कंबशन करना है इसे, कंबशन में इसे कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या करेगा, जाएगा जाएगा और लकड़ी का कुछ गट्ठर उठाएगा, लकड़ी का कुछ गट्ठर उठाएगा, इस लकड़ी के गट्ठर में इसको जलाने के लिए इसको कुछ फ्यूल वगैरह की जरूरत होगी। इसने भाई हाथ में इसके फ्यूल है, यहाँ पर फ्यूल रखा हुआ है, इसमें कुछ आपका समझ लो ये है आपका फ्यूल, ठीक है। इस फ्यूल को ये इसमें डालेगा, फ्यूल तो डला ही डला है इसमें, फिर क्या करेगा, ये जलाएगा। इसको जलाने के लिए तो उसके पास कई तरीके हैं। अब जब ये जलाएगा ना, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बेसिकली इसने किस किस चीजों का यूज यूज किया है, इसने यूज किया है कुछ आपके फ्यूल का, इसने यूज किया है कुछ आपके, आपका क्या फ्यूल हो गया, और कुछ लकड़ी के गट्ठर का, लकड़ी के गट्ठर थोड़े और बना देते हैं, ठीक है। चलो चिंटू चला है कैलोरीफिक वैल्यू को जानने के लिए। अब ये चिंटू क्या करेगा, ये लकड़ी के कुछ गट्ठर में आग लगाएगा, यहां पर भैया प्रोड्यूस होगी हीट एनर्जी। प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही, जब जला रहा है तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही, हीट प्रोड्यूस होगी। अब होगा क्या ऐसे में, देखो
हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो ऐसे में जो ये कंप्लीट जो कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो उस टाइम पे जो 1 kg ऑफ फ्यूल का जो कंप्लीट कंबशन हुआ है, कंप्लीट कंबशन किसका हुआ है, जो इसने फ्यूल यहां पर डाला था, ठीक है, उस फ्यूल का कितना, 1 kg, 1 kg फ्यूल का, जब 1 kg ऑफ फ्यूल जब कंप्लीटली कंबशन उसका हो जाएगा, चिंटू ने देखा कि लकड़ी की गटर को मैंने जलाया, 1 kg उसने फ्यूल यहाँ पर यूज किया था, 1 kg फ्यूल का मतलब है कि जो लकड़ी और जो भी उसने फ्यूल यूज किया है, फ्यूल में सब कुछ आ जाता है, आपका ईंधन वगैरह, फ्यूल को ईंधन कहते हैं, उसमें लकड़ी का गट्ठर हो सब कुछ आ जाता है। अब जब चिंटू ने देखा कि 1 kg 1 kg फ्यूल जो है जल गया है पूरी तरीके से, कंप्लीट कंबशन हो गया है और यहाँ पर हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक है ठीक है, तो तब इसने जाकर के देखा, अच्छा जो मैंने क्लास में पढ़ा था इसी को ही कहते थे क्या, इसी को कहते थे कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसने बोला कि मैम ने, टीचर ने बोला था, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू तुम मत करके देखना चिंटू की तरह, तुम बस सुनो, ये मैंने तुम्हें चिंटू की कहानी क्यों सुनाई, ट्विस्ट आया कोई, ट्विस्ट कुछ नहीं आया, कैलोरीफिक वैल्यू पता चल गई बस। अब तुम कभी भी कैलोरीफिक वैल्यू जब लिखोगे तो तुम्हें चिंटू याद आ जाएगा। तो ये जो चिंटू है, चिंटू भैया ने अपना काम कर लिया, क्या करा, कंबशन की प्रोसेस करवाई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी, कंप्लीट कंबशन हो गया 1 kg ऑफ फ्यूल का। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, यही कैलोरीफिक वैल्यू है। अब इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, उस यूनिट को याद रख लोगे, केजी, केजी यानी कि किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल, किलो फॉर के फॉर किलो, जे फॉर जूल और पर केजी, इसको याद कर लेना, जब ये पूरा लिखोगे तभी तुम्हें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा ना याद कर लेना। अब इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाती है, जैसे आप कंप्लीट कंबशन की तो बात होगी, चिंटू ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब जो वो गैस निकल रही है उसका क्या, यहाँ से हीट और एनर्जी में जो गैसेस निकल रही है उसका क्या, तो जो इंक्रीज हो जाती है परसेंटेज, जब बहुत ज्यादा कंबशन वगैरह की प्रोसेस हो रही है, या गाड़ियों से और ट्रक से, जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब जो आपके व्हीकल्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तरह तरह के गैसेस, जब वो फ्यूल जल रहा है, तो जब वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये ग्लोबल वार्मिंग के, कैलोरीफिक वैल्यू की मैंने कोई पिक्चर नहीं डाली, वो मैंने तुम्हें पता था कि मुझे ये समझाना है तुम्हें इस तरीके से, तो मैं खुद बनाऊंगी पिक्चर, इसमें तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग, ये अर्थ जलती हुई दिख रही है, ये इसलिए जलती हुई दिख रही है क्योंकि जब ज्यादा हानिकारक गैसेस का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, तुमने एयर पोल्यूशन में पढ़ लिया है मुझे पता है ग्लोबल वार्मिंग, और अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। तो जब इंक्रीज हो जाती है ऐसे गैसेस का परसेंटेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो हमारे अर्थ, तब हम जो एक टर्म सुनते हैं उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है उसमें क्या होने लग जाती है, वार्मिंग, यानी कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है। ये बात हमने अलग कर ली है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, एक फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके 3 जोन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं तो इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो आपका आपका ये वाला पार्ट तैयार है, क्वेश्चन अलग तरीके से आएगा, क्या आएगा, या तो 3 तरीके से ऐसे पूछेंगे व्हाट आर द 3 जोन्स ऑफ अ फ्लेम, या फिर ऐसे पूछेंगे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, तो आपको दोनों में ही यही बात लिखनी है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। फिर है एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, बट मैं स्किप नहीं करूंगी क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे जिनको नहीं पता हो शायद, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, तो उन बच्चों के लिए चलो। तो एसिड रेन क्या है, व्हेन द पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन वाटर, इट फॉर्म्स एन एसिड, द रेन ऑफ दिस एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। बेसिकली एसिड रेन का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से एसिड बरस रहा है, एसिड रेन का नाम, एसिड रेन, रेन का, इसने रेन का नाम जो है एसिड रेन इसलिए दिया हमने क्योंकि इस रेन में सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट और नाइट्रोजन ऑक्साइड का अमाउंट जो है मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का अमाउंट मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिड रेन, ओके। इसको अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, जब पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है क्योंकि बहुत सारा पोल्यूटेंट ऊपर जा चुका होता है तो वो सब नीचे लेकर के आती है बारिश, पहली रेन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो एक कंबशन की अगर डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज कंबशन, तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन, एक केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हीट निकालता है उसको कहते हैं कंबशन। आगे चलते हैं,
डिफोरेस्टेशन क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, जब लार्ज अमाउंट में कटिंग होने लग जाए पेड़ों की तो उसको हम डिफोरेस्टेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये मैनमेड कॉजेस भी होते हैं, इसमें ज्यादातर मैनमेड ही होते हैं, ये मैनमेड ही होता है कॉजेस का, ठीक है। तो पेपर बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज वगैरह में जो भी कभी लकड़ी का यूज होता है, तो ये पेड़ों की जो कटाई होती है उसको उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो हमने एक नाम डिफोरेस्टेशन सुना है, इस पे हमने बहुत ज्यादा ही डिस्कशन भी की है, हमने ये भी पढ़ा है कि इसके क्या क्या कॉज होते हैं और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर इस चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखो। ये जो तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है ना लगा हुआ, ये तुमने बिल्डिंग्स में लगा हुआ देखा होगा, तो तुम क्या कहते हो, गैस सिलेंडर? नहीं, ये रेड कलर का सिलेंडर जो आपको दिख रहा है, सिलेंडर तो है बट ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये क्यों यूज किया जाता है? ये फायर के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल दी फायर के लिए। बिल्डिंग में आग लग जाए क्या करोगे, बाल्टी से एक एक बाल्टी पानी डालोगे क्या? नहीं, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। इसमें एक केमिकल होता है, तो उस केमिकल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसकी मदद से, जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है क्या, मे बी आई डोंट नो द नेम ऑफ केमिकल दैट अभी, तो यहाँ पर जो है ये उसको क्या करता है, उसको जो है आग को बुझा देता है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। मतलब क्या होता है बेसिकली, फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या है, जब आग लगी होती है तो आग को क्या चाहिए, हवा चाहिए, बस उसे हवा मिल जाए और हवा जो है, हवा की मदद से आग जो है हर जगह चली जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर उसी चीज को कट कर देता है, हवा का अमाउंट वहां पे गायब कर देता है और इस तरीके से फायर जो है कंट्रोल में आने लग जाती है, समझ पा रहे हैं। और टेम्परेचर जो होता है फ्यूल का, जो भी फ्यूल है वहां पर अगर है तो उसको भी क्या कर देता है, टेम्परेचर को डाउन करने लग जाता है। तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। फ्यूल क्या है हमने पढ़ लिया, फ्यूल की इफिशियंसी को पढ़ते हैं। फ्यूल इफिशियंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वही कि 1 kg ऑफ अमाउंट ऑफ कम्बशन में जितना फ्यूल जो है जला और उसने हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो फ्यूल इफिशियंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। तो आएगा व्हाट इज फ्यूल इफिशियंसी, तो फ्यूल इफिशियंसी वही है कि 1 kg ऑफ फ्यूल को जलाने में जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ये कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्यूल की इफिशियंसी उतनी ही ज्यादा होगी, फ्यूल की इफिशियंसी उतनी ही कम होगी जितने की कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, सिंपल। आइडियल फ्यूल क्या होता है हमने पढ़ लिया, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है हमने पढ़ लिया, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं इसको देख लो। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास में बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब जरा सा बस तुम उस पे हल्का सा भी उसे क्या कहते हैं टेम्परेचर जो है मिल जाए, तो वो वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर जो है उसके पास में अगर हो तो वो जलने लग जाता है एंड कैन इजिली कैच फायर, और बहुत जल्दी ही वो फायर कैच कर ले। जैसे सपोज कागज का एक टुकड़ा लो और बस माचिस की एक तीली दूर से ही दिखाओ एकदम से आग पकड़ लेता है। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे ही होते हैं, बस उन्हें हल्की सी बस क्या चाहिए, चिंगारी चाहिए, वो आग में तब्दील हो जाएंगे, डायलॉग हो गया ये, एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। समझ पाए तुम? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करना जरा, बताना सबको समझ आया या नहीं, डाउट है तो पूछना, अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को और लाइक तो तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग देख रहे हो वीडियो को, तुम लोग समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी वे में तुम्हें टैकल करवाने के लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है, जिससे तुम जो बुक में फंसे ना रहो और तुम बस एक वीडियो में पूरा चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ डालो। अब जहां पर भी तुम्हें अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, अगर तुम्हें रिवीजन करना है, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं मैंने कहा था रिवीजन जरूर कर लेना इसका, तो उसको फिर से चलाओ और रिवीजन करके देखो, ठीक है, और फिर अच्छे से कवर हो जाएगा तुम्हारा, ये मेरी गारंटी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।